All right. So now let's talk in the last video. First, let's take a quick recap, then we'll talk about the concept of this video. In the last video, we have talked about what is a derivative, like it gives you rate of change, you can maximize and minimize the functions. Also, there are two types of calculus. First is differential calculus, which we are terming as derivative. The second one is integral calculus, which we don't use in machine learning. तो अब बात आती है कि ये जो सब कुछ हमने किया है रामायण, ये जो सारे प्रॉपर्टीज सीखी है, इन सब का यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करने में करेंगे. और अब हम सीखने जा रहे हैं चेन रूल, जो कि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है. हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाता है, लेट्स से हमारे पास आ गया. सो उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, जब भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे, लेट्स से वी हैव वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड लेट्स से वी आर ट्राइंग टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. तो जब भी मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, मैं किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, और जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ वो उस इक्वेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए. तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा डी एम एक्स प्लस सी बाय डी एक्स, तो ये जो x है ये इसमें प्रेजेंट है. प्रेजेंट होने का मतलब है, अगर यहाँ पे कोई पावर आ जाती है ऊपर, तो मैं डायरेक्टली x को एक्सेस नहीं कर सकता, पहले मुझे इस पावर वाले ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, फिर जाके एक्सेस कर पाऊँगा. बट यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबल है, तो आई कैन सॉल्व दिस. आई कैन राइट डी एम एक्स by dx, that will give me m, and dc by dx will give me 0, right? अब एक example लेते हैं, y equals to mx plus c का whole square, और अब अगर मैं निकालूंगा dy by dx, तो मैं नहीं निकाल सकता. मतलब एक second, तो अब अगर मैं निकालूंगा dy by dx, तो आई कांट डू दिस, बिकॉज डी एम एक्स प्लस सी इज इन द स्क्वायर एंड आई कांट एक्सेस द x डायरेक्टली. आई कांट राइट इट, आई कांट अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली, बिकॉज दीज थिंग्स कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. फर्स्ट द स्क्वायर नीड्स टू बी सॉल्व, देन इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इट कैन बी सॉल्व. बट दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, बिकॉज यू नो, लेट्स से यू हैव अ पावर 10 हियर, व्हाट विल डू? You want to find an alternative. So what we'll do, guys, we'll just apply the chain rule. How chain rule will be applied? What we'll do, as we all know, कि जब जो numerator में होता है, अगर उसी का कोई variable denominator हो without some power or something, या फिर हमने जो property सीखी है वो apply कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हम apply कर सकते हैं, distributive property लगाऊंगा और फिर मैं वो constant और multiplication में लगा के इसको solve कर दूंगा. बट यहाँ वो नहीं कर सकता मैं. यहाँ पर मैं वो कब कर सकता हूँ? जब या तो x square हो और फिर डी एक्स हो. तो यहाँ पर x और x दोनों सेम है और फिर पावर चढ़ रही है, तो मैं x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ठीक है? बट ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या चेंज करूँगा. आई जस्ट राइट डी एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, जस्ट अ सेकेंड, डिवाइडेड बाय डी एम एक्स. ओह मैन, डिवाइडेड बाय डी एम एक्स प्लस सी. तो अब मैंने क्या किया, जो मेरा पूरा का पूरा टर्म है पावर में, उसके रेस्पेक्ट में कर दिया मैंने. मतलब जब मैं, मतलब इसके रेस्पेक्ट में करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो टू आगे आने वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ. यहाँ पे मैंने एम एक्स प्लस सी के होल स्क्वायर को एम एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो मैं वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ. बट हम इसको ऐसे ही किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली एक इक्वालिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अभी अगर हम देखें तो हम करना क्या चाह रहे हैं, लेट्स जस्ट ट्राई टू विजुलाइज दैट एंड लेट्स जस्ट यू नो सॉल्व दिस टोटली. सो वी हैव डी वाई बाय डी एक्स एंड योर वाई इज एम एक्स प्लस सी एंड इट्स होल स्क्वायर, दैट्स योर वाई. सो वट वी आर ट्राइंग टू डू इज, वी आर ट्राइंग टू डू डी एम एक्स प्लस सी एंड इट्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स, राइट? दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू. वट वी डिड, वी डिड डी एम एक्स प्लस सी इज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एम एक्स प्लस सी. अब हम ऐसे ही तो नहीं लगा सकते इसको, कोई ना कोई लॉजिक तो देना पड़ेगा. दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वालिटी, दिस इज नॉट इक्वल. सो टू मेक इट इक्वल, वट विल डू,
we'll just multiply it, or basically multiply with the derivative of the thing which we assumed, जो हमने डी एम एक्स प्लस सी अज्यूम किया है, x की जगह डी एम एक्स प्लस सी को अज्यूम किया है, उसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो विल जस्ट डू डी एम एक्स प्लस सी डी एम एक्स ओ मैन व्हाट द फक इज दिस डी एम एक्स प्लस सी बाय डी एक्स. हमने जब ये कर दिया तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई. अगर देखा जाए, मतलब इट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग, बट देखा जाए तो ये इससे कैंसिल होके विल गिव यू अगेन डी एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई डी एक्स. सो इट इज़ इक्वल. यू कैन सी डी एम एक्स प्लस होल स्क्वायर बाई डी एक्स सिमिलर टू द थिंग विच इज रिटन हेयर. सो दैट्स वॉट द चेन रूल गाइज, टू सेटिस्फाई द इक्वालिटी एंड टू मेक द फंक्शन सॉल्विंग ईजियर, वी अप्लाई द चेन रूल एंड दिस कैन बी ईजीली डन. सो बेसिकली आप क्या करिए, आप ऐसे लिख दीजिए और फिर इसको कैलकुलेट करिए. सो डी एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई डी एम एक्स प्लस सी होगा, सिर्फ टू आगे आ जाएगा और आप एम एक्स प्लस सी लिख के पावर में से वन माइनस कर देंगे. तो एक्स टू द पावर एन वाली जो प्रॉपर्टी वो इसमें आपने लगाई, इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, दैट इज डी एम एक्स प्लस सी बाई डी एक्स. सो दिस, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर नहीं है. तो यू विल बी राइटिंग डी एम एक्स बाई डी एक्स दैट विल गिव यू एम एंड डी सी बाई डी एक्स गिव यू जीरो. So that is your derivative dy by dx, and that's how you can find it using chain rule. That may be a bit confusing, but let's just try to solve some question just to make it real easy. Then we'll solve the gradient descent part, and we'll just see how to apply gradient descent, not in the neural networks. In the neural networks we need to use a lot of chain rule, so I'll be releasing a separate video for that, like how to find derivatives of a feed forward neural network. But right now we will just talk about the basics just to make you guys ready for calculus, or basically ready for machine learning, because calculus is one of the hurdles whenever we learn machine learning. Hurdles, if you're not from a mathematics background, let's say you are from accounts or some background but wants to learn machine learning, because it's used in each and every domain now and you want to be expert of that. But let's say you are struggling with calculus, so that's what I'm trying to do. I'm trying to make it easy for you people so that if anyone can learn machine learning, that's what I say. I can teach it to anybody, just trust my words. I can teach it to anybody. In my batch I have people who are from accounts background who have not touched mathematics, like, or basically did it like long, long ago, and they are learning it very well. So that's what I'm trying to do with this YouTube also. I'm just trying to make people learn the hardest concepts in a very easy manner. But if you still want a structured approach to the data, like to becoming a data scientist, or, you know, to learning all the things in this domain, structured one by one approach with doubt solving and everything, check out my course at KAI instituteofai.com, and you can check out the curriculum, fill up the registration form. You'll be basically added to a WhatsApp group, and then we'll start the batches and you'll be adjusted to some batch, and once you pay the fee you're connected with us forever, and you are allowed to enter our any future batches at any time. So it's just a one-time investment if you do, and you're just allowed to enter any batch. If let's say you have entered the December batch, which is the upcoming batch, and you're not able to learn the things, तो आप उसका अगला बैच ज्वाइन कर सकते हैं. अगले बैच में आपको नहीं जच रहा है, समझ में नहीं आया, या फिर कुछ पीछे रह गया, तो आप उसका अगला बैच ज्वाइन कर सकते हैं. या इसमें कोई रोक टोक ही नहीं सर, आपने एक बार हमसे जुड़े, यू आर जस्ट फॉर एवर कनेक्शन ऑफ आर्स. इफ लाइक I'll just make you learn each and everything. It's just you should be dedicated. I'm ready to burn myself. Don't just get me wrong. I'm not gonna burn myself exactly as I'm saying, but just get my emotions what I'm saying. So yeah, let's just try to solve some questions. So let's say we have y equals to not mx plus c. Let's take 4x plus 3, its whole square, plus 5x plus 3, its whole cube, and to the whole power 4. Alright, so what we want to find is dy by dx, and we'll be finding it. First of all, what we want to do is, this is our bigger bracket, and our power is upon that. So we'll have to find first of all d
this whole thing, I'm just terming this whole thing as A just for a while. I'm terming it as A. So we have to find D A to the power 4. Or let me just write it fully, just to make you guys understand. So I just don't want anybody to be confused. If you are watching this video, you should be learning it. And if you have any doubts or issues, just check out the last video. If you are new here, it is a two-part series. In the first video, I explained the calculus. In the second video, I'm explaining this. So in the I button, I have the link. Also in the description, I have the link. So you can just go there and check out. So how will be approaching it? We'll be writing D and this whole bracket first of all. So in this whole bracket, we have 4x plus 3 and its whole square. 4x plus 3 and its whole square plus 5x plus 3 and its whole cube and the whole power 4 divided by D of this whole square bracket without the power, just so that we can do it. 4x plus 3, what the fuck is this happening here? D of 4x plus 3 and its whole square plus 5x plus 3 and its whole cube and to the power 4 by D of by D of 4 x plus 3 whole square plus 5 x plus 3 whole cube, right? So इसको करने के बाद हमने जिसको assume किया है as x, ये जो जिसको assume किया है as x, इसका भी तो हमें differentiation करना पड़ेगा जो हम last में सीख के आए. तो आप क्या कीजिए, जो complex चीज़ है ना, complex मतलब not the mathematical complex but जिसमें बहुत सारे terms आ रहे हैं, ऊपर power है, उसकी respect में कर दीजिए. फिर जिसकी respect में किया आप उसका और differentiation कर दीजिए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली चीज़ का differentiation करेंगे. D of 4x plus 3 का whole square. अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ये दो पार्ट्स में टूट गई है, ठीक है? 4x plus 3 का होल स्क्वायर और 5x plus 3 का होल क्यूब. तो इस पे मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव. तो d 4x plus 3 का होल स्क्वायर हो गया एक. तो अब इसको करने के लिए यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ गया, तो मैं फिर से इसको इसके रिस्पेक्ट में करूँगा. तो मैं करूँगा डी ऑफ 4x plus 3 के रिस्पेक्ट में. अब ये 4x plus 3 के रिस्पेक्ट में गया तो इसको भी तो करना पड़ेगा. सो डी ऑफ 4x plus 3 को मैं कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx. और इसके साथ जो ऐड होगी चीज़ जो 5x plus 3 पे होगा, सेम प्रोसेस वो भी करेंगे. तो ये चीज़ तो इसके बाद में हुई है और ये दोनों इसके अंदर आ गए इस प्रोसेस में. सो ये हो गई d 5x plus 3 का होल क्यूब बाय d ऑफ 5x plus 3. और अब ये 5x plus 3 का दोबारा करना पड़ेगा. सो d ऑफ 5x plus 3 डिवाइडेड बाय dx, क्योंकि अब तो आसानी से x लगाना पॉसिबल है. तो सर अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको करेंगे, हमारा 4 आगे आ जाएगा और इसको एज इट इज़ लिख देंगे. तो मैं इस पूरी चीज़ को अब एज इट इज़ लिखूँगा विद 4. सो द आंसर इज 4 इनटू दिस होल थिंग, आई एम नॉट राइटिंग इट, लेट्स से दिस होल थिंग द इनसाइड फंक्शंस मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 4x plus 3 का होल स्क्वायर. तो 2 आ गया 4x plus 3 को एज इट इज लिख दिया. तो 2 इंटू 4x plus 3 और फिर मल्टीप्लाई में 4x plus 3 का जो डेरिवेटिव हुआ उससे हमें मिला 4, बिकॉज 4 और x का हो गया 4 और 3 बिकम्स 3 इज कॉन्स्टेंट, सो इट बिकेम 0. सो इंटू 4, क्योंकि इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे ना हम इस वाले पे, तो d 4x बाय dx का हमें 4 मिल जाएगा. प्लस सिमिलरली इसके अंदर हमें मिलेगा 3 इंटू 5x plus 3 इंटू, मतलब इसका तो हो गया हमारा, अब इस वाले का करना है d 5x plus 3. तो d 5x plus 3 का होगा 5, क्योंकि 5x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमें सिर्फ 5 मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ax वाली जो हमने सीखी थी. प्लस 3 का जब हम करेंगे तो 0 मिलेगा, सो इट विल गिव अस 5.
एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, दैट्स अप टू यू. बट इफ़ यू आर सॉल्विंग इट फॉर अ मशीन लर्निंग थिंगी, यू नीड टू जस्ट मेक दिस फंक्शन, दिस इक्वेशन, एंड जस्ट यू नो एड इट टू योर प्रोग्रामिंग, योर पाइथन और वट एवर, एंड विल जस्ट सॉल्व इट फॉर यू. सो दैट्स वॉट द चेन रूल इज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ आवर कॉस्ट फंक्शन एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्रेडियंट डिसेंट अ बिट. सो like I'm not going to talk about gradient descent explicitly here, it's just essence of that, because you need to relate it with that, and I'll just make a separate video for that, and then I'll relate this calculus video with that, so that you can watch calculus and learn the gradient descent. That's what the goal is. So in the linear regression we have not y but error equals to mean of mx plus c, which is your y predicted, minus y actual, which is from your data set, and its whole square. You want to find the derivative with respect to m and c, and this is the partial derivative. So the difference between the derivative we have learnt and the partial derivative is, when you try to do partial derivative, let's say del y by del x, and you have a function which is y equals to x plus 2z plus 3 w, like that. So whenever you'll do this with respect to x, you'll apply the derivative rules on x only. So you'll just write 1, because dx by dx is 1. And when you'll try to do this derivative on z with respect to x, because it's a partial derivative, we write delta instead of d in partial derivative. And the when you'll try to do it on this thing, you'll treat it as constant. सो अदर देन लाइक आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा हर चीज़ को कॉन्स्टेंट अज्यूम किया जाएगा और उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. अगर इसके अंदर कोई एक्स की टर्म होती तो टू जेड को कॉन्स्टेंट लिया जाता. जैसे अगर होता एक्स प्लस एक्स जेड, तो एक्स का तो हो जाता वन, और एक्स जेड में जेड बाहर आ जाता और डी एक्स बाय डी एक्स हो जाता वन. तो ऐसे चलता है. आप इसके अलावा जो भी टर्म होगी उसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव. एंड इन ग्रेडियंट डिसेंट वी ट्राई टू डू पार्शियल डेरिवेटिव. तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल ई बाय डेल एम, बिकॉज हम जो हमारे वेट्स और बायस होते हैं उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं. क्यों निकालते हैं, आई एक्सप्लेन दैट इन द ग्रेडियंट डिसेंट वीडियो, बिकॉज इट्स फॉर दैट एक्सप्लिसिटली. राइट नाउ आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड कैलकुलस एंड रिलेटेड विद द लीनियर रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन. तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक बहुत सारे टर्म्स का है, और ये स्क्वायर बाहर आ रहा है. तो सबसे पहले इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो विल जस्ट राइट डेल ई बाय डेल ई का भी तो लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड. तो मीन को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, इट्स जस्ट अ फंक्शन जो बाद में भी लगा सकते हैं. तो विल जस्ट ट्राई टू डू डेल एम एक्स प्लस सी माइनस वाई एक्चुअल, इसका होल स्क्वायर बाय डेल एम एक्स प्लस सी माइनस वाई एक्चुअल. ठीक है, अब इसका हमने कर दिया तो इसका भी तो करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई करके डेल ऑफ एम एक्स प्लस सी माइनस वाई एक्चुअल डिवाइडेड बाय डेल एम. अब क्योंकि वी कैन एक्सेस इट, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो 2 सिर्फ आगे आ जाएगा, एंड इट विल गिव यू 2 इंटू एम एक्स प्लस सी माइनस वाई एक्चुअल. फिर आप जब इसका करेंगे तो डेल एम एक्स का हो जाएगा, आपको मिलेगा x, क्योंकि आप m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. सो यू आर ट्राइंग टू डू डेल एम एक्स बाय डेल एम, तो x इज योर कॉन्स्टेंट, तो x आएगा बाहर. डेल एम बाय डेल एम इज 1, you'll be getting x. तो आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे x, फिर आपने डेल एम का कर दिया, अब c का करेंगे. आप सिर्फ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एक एक पे डेरिवेटिव करते जा रहे हैं. c का आपको मिलेगा 0, y a का भी मिलेगा 0, क्योंकि दोनों को आपको कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव. सो दिस विल बी योर डेरिवेटिव फंक्शन. ट्राई टू डू द सेम फॉर c, एंड विल मीट इन द डेरिवेट ग्रेडियंट डिसेंट वीडियो नेक्स्ट टाइम. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड आई होप आई एम एबल टू एड सम वैल्यू टू योर लाइफ बाय टीचिंग दिस कैलकुलस, एंड आई होप यू लर्न इट. एंड इफ यू हैव सम डाउट यू कैन पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क सम क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट मोटिवेट्स मी. फाइनली थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय.